इंस्टाग्राम तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन जब से रील्स वाला ऑप्शन आया है और ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो रील्स के ऊपर हमें बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती है, उसमें से कुछ वीडियो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है, उस वीडियो को हम सेव करना चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर गैलरी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही कमाल के तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, ईजी से ईजी प्रोसेस बताऊँगा। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हो टेक्नो रूलर। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको पहला जो तरीका बताने वाला हूँ उसके माध्यम से आप जो है इंस्टाग्राम ऐप से ही रील्स वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी आपको ऐप्स वगैरह डाउनलोड नहीं करने हैं, इंस्टाग्राम ऐप से ही आप रील्स वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसे करना है देख लीजिए। तो इंस्टाग्राम से रील्स को डाउनलोड करने के लिए उस रील्स को प्ले करना होगा एंड यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड रील्स टू योर स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी ये जो कोई भी रील्स है, आप किसी को भी डाउनलोड करना चाहते हो, वो रील्स आपकी जो है स्टोरी के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट करना होगा कुछ इस प्रकार से ताकि वो लोगो हट चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे सही तरीके से क्रॉप हो चुकी है। तो यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। अब ये प्रोसेसिंग लेना शुरू हो चुका है एंड यहाँ से आपकी रील्स जो है गैलरी के अंदर सेव हो चुकी है। ये देख सकते हो वीडियो इज सेव्ड, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप रील्स वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऐप से। अब मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ, ये भी बहुत ही कमाल का तरीका है और इसके माध्यम से भी आप रील्स वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसे करना है देख लीजिए। किसी भी रील्स को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको रील्स वीडियो को ओपन करना होगा। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कॉपी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ से इस रील्स की जो लिंक है वो कॉपी हो चुकी है। अब किसी भी ब्राउज़र या फिर आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर मैं करता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से आपको सर्च कर देना होगा इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर। अब यहाँ पर स्टोरी नहीं रील्स सेवर, ठीक है। तो यहाँ से इंस्टाग्राम रील्स सेवर आप सर्च कर देना तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। ये तो एक ऐप है, ठीक है। इन ऐप्स को छोड़ के नीचे आओगे तो यहाँ पे एक कोई भी वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। लाइक मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लिंक पेस्ट करने का, तो यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने वो जो रील्स होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। मैं रोबोट नहीं हूँ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, ये जो भी है वो कंप्लीट करना होगा। तो अभी जो है यहाँ पे हमारा अकाउंट आ चुका है, ठीक है, जिस किसी की आप रील्स डाउनलोड करना चाहते हो। अब यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड करना होगा और वो रील्स भी यहाँ पे आ जाएगी। सो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करो एंड यहाँ से आपकी जो रील्स है वो यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो एंड यहाँ से आपकी रील्स डाउनलोड हो जाएगी सिंपल तरीके से। तो अभी यहाँ पे रील्स डाउनलोड हो चुकी है, मैं करता हूँ ओपन। तो देख सकते हो रील्स वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। तो इतना सिंपल होता है किसी भी वेबसाइट या फिर वेबसाइट के ऊपर जाके डाउनलोड करना। मैं यहाँ पे ऐप्स भी बता सकता था लेकिन ऐप्स बंद होते रहते हैं तो वेबसाइट नई नई अपडेट होती रहती है। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है। सो गाइज़, इस प्रकार से आप किसी भी रील्स वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। एंड मैं मनोज फिर मुलाकात करता हूँ नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।